जैसे कि हम किसी को दावत देते हैं दीन की, तो उस वक्त हमारा अंदाज कैसे रहना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम कुछ बहस हो जाती है आपस में, तो हमारी आवाज मतलब तेज हो जाती है, जिससे सामने वाला उस चीज से हट जाता है, मतलब सुनना पसंद नहीं करता। तो हमारा अंदाज कैसा होना चाहिए? देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है इस बारे में कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमते वल मौइदतिल हसना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत के काम में हिकमत के उसलूब को इख्तियार करने का हुक्म दिया है। दावत का काम हिकमत से होना चाहिए, और हिकमत का कोई खास डिफिनेशन नहीं है। हिकमत ये जगह के एतबार से, अफराद के एतबार से, हालात और ज़रूफ़ के एतबार से उसका तरीका बदलता रहता है। तो आपके सामने कौन शख्स है, आप किस तरह से उससे मुखातब होंगी, तो वो आपकी बात को ज़्यादा ढंग से सुनेगा, ज़्यादा गौर से सुनेगा, उस पर आपकी बात ज़्यादा असरअंदाज होगी। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हालात और ज़रूफ़ कैसे हैं, सामने वाला शख्स कौन है, मसाला क्या चल रहा है। तो बहरहाल अंदाज ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाला मुतनफिर ना हो, आपकी बात को वो गौर से सुने और आपकी बात का असर हो उसके ऊपर। इसको हिकमत कहा जाता है। तो हिकमत का उसलूब ये अफराद के एतबार से, मुखातब के एतबार से, हालात और जरूफ के एतबार से, मसाइल के एतबार से बदलता रहता है। तो अब ये इसीलिए तो कहा जाता है कि दावत का काम एक आलिम दीन करेगा, क्योंकि आलिम दीन को इन चीजों का इल्म होता है। आलिम दीन को जहां पर दीन के मसाइल की मालूमात होती है, वहीं पर वो साथ साथ में ये भी सीखता है कि हिकमत का तकाजा क्या है, कहाँ पर दावत का काम किस तरह से किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखेंगे, जैसे मैं आपको एक मिसाल से बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक देहाती शख्स आया मस्जिद में पेशाब करने लगा, सहाबे कराम उस पर टूट पड़े। जाहिर है मस्जिद में पेशाब करना ये बहुत संगीन बात है, सहाबे कराम उस पर टूट पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उन लोगों को मना कर दिया, कहा कि रहने दो, उसको पेशाब कर लेने दो। जब वो पेशाब कर चुका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने पास बुलाया और उससे कहा कि देखो, ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, ये इबादत के लिए है, इसमें ये सब करना गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से उसे समझाया, उसे डांटा नहीं और ना ही सहाबे कराम को उसे डांटने दिया। क्यों, ऐसा क्यों किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर हिकमत का उसलूब इख्तियार किया, क्योंकि वो एक देहाती शख्स था। अभी हो सकता है इस्लाम में भी नया नया दाखिल हुआ हो और उसका ताल्लुक किसी देहात दूर दराज के इलाके से था, उसको ये सारी चीजें, तहजीब वाली चीजें उसे नहीं पता थी, तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ ये उसलूब इख्तियार किया। हो सकता है वही कोई शख्स अगर मदीना का होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसलूब इससे मुख्तलिफ होता, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने वाले को देख करके उसी तरह का उसलूब इख्तियार किया। इसी तरह एक और छोटा सा वाकया आप देखिए, एक नौजवान आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं जिना करना चाहता हूं, मुझे इजाजत दे दीजिए। अब आप सोचिए कि अगर कोई आम इंसान होता तो उसके साथ क्या रवैया इख्तियार करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इत्मीनान के साथ कहा कि देखो, अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ जिना करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? उसने कहा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारी खाला के साथ, फूफी के साथ, बहन के साथ, यानी जो हसास रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिना गिना करके उससे पूछा कि क्या अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? हर सवाल के जवाब में उसने कहा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो इसी तरह दूसरों को भी नहीं अच्छा लगेगा। अब आप देखिए, ये हिकमत का अंदाज है। तो हिकमत का जो उसलूब है, ये अफराद के एतबार से, मुखातब के एतबार से बदलता रहता है, और आपको बस ख्याल ये रखना है कि मेरी बात से सामने वाला मुतनफिर ना हो, बल्कि मेरी बात का असर कबूल करे, इसी को हिकमत कहा जाता है।